व्रत एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण व विशेष फलदायी व्रत माना गया है। हरछठ को विभिन्न जगहों पर हलषष्ठी या ललही छठ जैसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। हरछठ के व्रत का पालन केवल सुहागिन स्त्रियां कर सकती हैं। कई मान्यताओं के अनुसार इस व्रत का पालन केवल ऐसी महिलाएं कर सकती हैं जिनके पुत्र हों। ऐसी महिलाएं जिनके पुत्र नहीं है वह हरछठ के व्रत का पालन नहीं कर सकती। इसी के विपरीत इसके अन्य मान्यताओं के अनुसार इस व्रत का पालन गर्भवती और संतान प्राप्त की इच्छा रखने वाली महिलाएं भी कर सकती हैं। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी इस व्रत को बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। यह व्रत भगवान बलराम को समर्पित है जो कि श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं विशेष रूप से भगवान बलराम की पूजा करती हैं तथा व्रत का श्रद्धा पूर्वक पालन करती हैं। यह व्रत पुत्रों की दीर्घायु और उनकी संपन्नता के लिए किया जाता है, इसलिए पुत्र की प्राप्ति एवं उनकी दीर्घायु के लिए महिलाओं द्वारा यह व्रत रखा जाता है। क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है व्रत? आज के छठी जो है बच्चों के लिए मनाया जाता है, उसमें दीर्घायु के लिए बच्चों को अतिथि जो है तो बड़ा होने के लिए मनाया जाता है। हलषष्ठी का व्रत किया जाता है संतान के सुख समृद्धि के लिए, उनके दीर्घायु के लिए, कि संतान जो है दीर्घायु होवे तथा अच्छी संतान उत्पन्न होवे। इसमें क्या क्या उपयोग किया जाता है? इसमें पूजन सामग्री में सबसे पहले तो एक कांस का कांस है, छिवला का पत्ता है। इसमें पूजन सामग्री में है दूध, दही, घी, बेलपत्र, गंगा जल इत्यादि, केला। इसमें महुआ तथा दही का, भैंस के दही का उपयोग किया जाता है। ये पुत्र कल्याण के लिए, संतान अगर न हो तो प्राप्ति के लिए। क्या कहानी? आवाज जो है बलराम जी का माने जन्मदिन भी है। हल खट माने हल छठ माने हल लिए रहते बलराम जी ना, इसीलिए उनके नाम से उनका जन्मदिन है। अश्विनी नक्षत्र है। क्या शुभ नाम? हमारा नाम दामोदर प्रसाद। इस व्रत में क्या क्या महिलाएं करती हैं? इस महिला में जो जारी छूली का लगाया और जारी छूली और महुआ, पसई का चावल, भैंस का दही, दूध, घी, मट्ठा, सब यही सब सामान जंगल के समान रहते हैं। नियम है सिर्फ बगीचा में पूजा करें, लेकिन आदमी घर में करता है। कहानी क्या है इसकी? कहानी भी जो सुनाए, जो कहानी क्या? धाय जो थी तो धाय राजकुमार को खिलाने ले गई थी, तालाब पड़ा नदी, तो उसमें मगर जो है ले पकड़ लिया, ग्राह जो है ले लिया राजकुमार को। तो धाय मारे डर के जंगल में चली गई और वहाँ जंगल में जा कर के भगवान शंकर पार्वती कार्तिकेय गणेश जी का पूजन करने लगी। यही जो छह माने जो जारी छूली के पेड़ के नीचे कुसा पला, तब तो फिर शंकर जी भगवान प्रसन्न हुए और कहा कि तेरा तूने पूजा किया है, व्रत किया है, तेरा पुत्र जीवित होगा। तो फिर वो राजा जो है, राजा को पता चला, जब आबा में डाल दिए थे उसके धाय के पुत्र को, कुम्हार के आबा में, तो निकाला तो उससे वो पानी में खेल रहा था, जीवित निकल आया। तो जब जीवित निकल आया तो राजा ने फिर दुर्वासा ऋषि आया, दुर्वासा ऋषि ने बताया कि वो भगवान शंकर जी का व्रत पूजा की है हलषष्ठ का। तो फिर जंगल गए दुर्वासा ऋषि राजा और वहाँ जा कर के धाय को पुत्र मिला दिया। और फिर राजा को भी उसने बताया, राजा ने भी व्रत किया, राजा के भी बहुत सारे पुत्र हुए। और इधर जो है उत्तरा के गर्भ में जो माने वो था ना गर्भ, ब्रह्मास्त्र चला दिया था अश्वत्थामा जी, द्रोणाचार्य के पुत्र, तो उसको बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण माने युधिष्ठिर ने व्रत कराया था, तो फिर वो परीक्षित हुए थे।